नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महाविष्णु पुराण में। आज हम आपको सुख देने वाली इस कहानी को सुनाएंगे, इस जिससे घर में कभी कलेश नहीं होगा, उसका घर धन धान्य से भरा रहेगा। ये तो आपने सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, उस घर से बरकत खत्म हो जाती है। यह कहानी एक तोता और एक मैना की है। एक बार एक तोता और मैना एक जंगल में रहते थे, अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन मैना तोते से कहती है, पियाजी हमें यहाँ से चलकर वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारे जैसे पक्षी रहते हैं। तो तोता उससे मना करता है, फिर यह वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम यहीं सुकून की जिंदगी जी रही हैं। प्रिय दर्शकों, मैना जिद करती है। उसकी जिद के कारण दोनों वहाँ से उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु और पक्षी की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उसने ऐसी पढ़ाई की थी जिससे वह हर पशु और पक्षियों की भाषा अच्छी तरह समझ सके। एक दिन की बात है, राजा रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत चोरों की भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, रानी 36 प्रकार के भोजन बनवाती है और उन्हें थाली में सजाकर एक हाथ में जल का लोटा भरा और दूसरे हाथ में भोजन का थाल लेकर आती है और राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के समीप भोजन की थाली रखी जाती है तो थाली में से चावल का दाना नीचे जमीन पर गिरता है, जहाँ चींटियाँ घूम रही थी। एक चींटी चावल के दाने को उठा लेती है और धीरे धीरे चलने लगती है। राजा इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में एक बड़ा चींटा आता है और उस चींटी से कहता है, प्रिय ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली में से दूसरा टुकड़ा उठा कर ले आओ। चींटी चींटे से मना करती है कि मैं चावल का टुकड़ा ही ला सकती, राजा मुझे मार देगा। यह बात प्रिय दर्शकों, राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटी चींटे से चावल के टुकड़ा लाने को मना कर रही है और कह रही है कि राजा मुझे मार देगा, क्योंकि वह समझ चुका था। चींटी चींटे से चावल का दाना लाने को कहती है पर वह मना कर रहा है। राजा इस बात को समझ गया था। चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और वह हमारी बात को समझता भी है। चींटी चींटे से कहती है, यदि राजा हमारी बात को सुन रहा है और राजा हमारी बात को किसी दूसरे से कहेगा तो वह उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी की इस बात को सुन लेता है और वह हंसने लगता है। जैसे ही राजा हंसता है तो राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा से बात पूछती है। राजा कहता है कि कोई बात नहीं। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करती है और राजा से कहती है, आपको बताना पड़ेगा कि आप किस बात को लेकर हंस रहे हैं। राजा के बार बार मना करने पर राजा बार बार मना करता है। रानी बार बार उसी बात को पूछती है और राजा अपने मन में ये बात सोचता है कि अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगा तो मैं उसी वक्त पत्थर का बन जाऊंगा। राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता। रानी जिद करती है, आपको मुझे ये बात बतानी ही पड़ेगी, जो अगर आप मुझे दिल से चाहते हैं तो आपको ये बात मुझे बतानी ही चाहिए। राजा धर्म संकट में पड़ जाता है, अगर मैं बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा, अगर नहीं बताऊंगा तो रानी जिद कर रही है। रानी जिद करती है। राजा कहता है, अगर आपको ये बात बताऊंगा तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तब राजा कहता, अगर तुम नहीं मान रही हो तो चलो किसी जंगल में चलते हैं। वे दोनों जंगल में आ जाते हैं और राजा रानी को ये बात बताने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को बताता है, वैसे ही राजा थोड़ा थोड़ा पत्थर का बनता जाता है। जैसे राजा रानी को आधी बात बताई तो राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा रानी से कहता है कि हे प्रिय, मैं पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है, अभी तो थोड़ी सी बात बची है,
वह भी बता दीजिए। राजा सारी बात रानी से बता देता है और वह जैसे ही रानी को सारी बात बताता है तो राजा पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है। रानी सर पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोती है। प्रियदर्श को अब क्या होने वाला था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी त्रियत हट के चक्कर में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। जो त्रिया हट के चक्कर में पड़ जाता है वह बहुत पछताता है, जैसे कि राजा को पछताना पड़ा था।